हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि एक रुपए में अगर चार चॉकलेट आती हैं तो 300 चॉकलेट कितने रुपए की हो गई। तो कैलकुलेटर से कैसे हिसाब लगाते हैं आज ये सीखेंगे। देखो पहले लगाइए, उसने क्या पूछा है कि एक रुपए में चार, ठीक है ना। तो पहले लगाइए एक, वहाँ करिए भाग का चिन्ह, ठीक है, भाग लगाइए। उसके बाद में कितना चार चॉकलेट बोला है वो, तो चार चॉकलेट, ठीक है। और उसके बाद में ये गुणा का निशान लगाना है आपको, और गुणा के निशान के बाद यहाँ कितना 300 पीस पूछा उसने, 300 पीस कितने का हुआ, ठीक है। 300 पीस यहाँ लगाइए तो 300 पीस 75 रुपये का होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी आप हिसाब लगा सकते हैं, जैसे चलो इसे हटाते हैं, दूसरा लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई सामान है दो रुपये में भाग दो रुपये में, और हमारा छः पीस आ रहा है, कोई भी सामान रहने दो, चॉकलेट क्या टॉफ़ी क्या सभी रहने दो। जैसे छः पीस आ रहा है तो पहले रेट लगाइए, उसके बाद सामान लगाइए, कितना सामान है वो छः पीस है तो छः लगाइए, उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाइए, और उसके बाद में कितने पीस का रेट निकालना है वो लगाइए। जैसे हमको इसमें लगाना है 60 पीस का रेट, ठीक है। तो देखो 20 रुपये बन गया, ठीक है। दो रुपये का सामान है या दो रुपये में छः पीस आ रहा है तो 60 का कितना बन गया, 20 रुपये बन गया है। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक। अगर वीडियो आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।